पीडीएम हुकूमत के लिए रिलीफ ही रिलीफ। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह को आज बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने भी लाहौर की एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। आमदनी से जायद असासों के केस में वफाकी वजीर खुर्शीद शाह सक्खर की नैब अदालत में पेश हुए। वफाकी वजीर के वकील मुकेश कुमार ने बताया कि जज ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में खुर्शीद शाह को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दे दी है। सक्खर की नैब अदालत ने खुर्शीद शाह को 10 लाख रुपए की मुचलकों के इवज एक महीने के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। वकील का कहना है कि नैब अदालत ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खुर्शीद शाह का नाम निकालने की हिदायत जारी कर दी है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने नैब अदालत में बैरून मुल्क इलाज के लिए दरखास्त जमा कराई। नैब ने दरखास्त की रोशनी पर MS सिविल अस्पताल की सरबराही में 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था। बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि खुर्शीद शाह को बैक बोन डिस्क समेत दीगर अमराज का सामना है, जिसके लिए उनका बैरून मुल्क जाना लाजमी है। उधर लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदनी से जायद असासाजात केस में फवाद हसन फवाद ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी है। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्त पर समाअत करते हुए नैब को 4 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब किया है। फवाद हसन फवाद की दरखास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया कि ये झूठा केस है, इसका मेरिट पर जल्द फैसला चाहते हैं। उन्होंने ये मौकिफ भी अपनाया कि वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 से फायदा नहीं उठाना चाहते। फवाद हसन फवाद ने अदालत से इस्तदा की है कि आमदनी से जायद असासाजात केस में मेरिट पर बरी किया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फवाद हसन फवाद और उनके अहले खाना के खिलाफ आमदनी से जायद असासों का केस दायर कर रखा है।